भारत की सीमा पर इस समय उसके दुश्मन घात लगाए बैठे हैं ताकि मौका मिलते ही इस देश को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो वहीं भारत भी अपने दुश्मनों को करारा जवाब देने की तैयारी में लगा हुआ है, जिसमें आज भारत अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। तो क्या है इसकी खासियत, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल देश की सीमा पर इस समय चीन नाम का खतरा मंडरा रहा है, जिससे निपटने के लिए भारत भी अपनी सभी तैयारियों में जुट गया है, जिसमें आज भारत अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान का होश उड़ा देने वाला ये अस्त्र मेड इन इंडिया होने के साथ साथ बेहद ही घातक भी है, जिसका वार चीन समेत भारत के बाकी पड़ोसी देशों की धरती को हिलाने तक की क्षमता रखता है। बताया जा रहा है कि इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक की है, जिसके भारतीय सेना में जोड़ने के बाद भारत दुनिया के उन एलीट देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास न्यूक्लियर हथियारों से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM तकनीक मौजूद है। दरअसल DRDO ने 2008 में अग्नि 5 का काम शुरू कर दिया था, जिसे DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत, एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने मिलकर तैयार किया है। बता दें कि इससे पहले अग्नि 5 मिसाइल के 60 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें ये मिसाइल रेल मोबाइल लॉन्चर, कैनिस्टर टेस्ट, रोड मोबाइल लॉन्चर जैसे परीक्षणों में सफल रह चुकी है, जिसके बाद इसे 2020 में ही भारतीय सेना में शामिल किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ऐसा हो ना सका। तो वहीं ये अग्नि 5 का 8वां और आखिरी परीक्षण साबित हो सकता है और जल्द ही इसे भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें फिलहाल दुनिया के मुट्ठी भर देशों के पास ही ICBM तकनीक मौजूद है, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और उत्तर कोरिया के साथ अब भारत भी जल्द ही शामिल होने वाला है, जिसके बाद भारत इस ताकत से लैस होने वाला दुनिया का 8वां देश बन जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया दरबार के साथ। धन्यवाद।